Hello, bachche, let's read the question. A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 to minus 9 coulomb meter. Electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis. एक short electrical dipole दे रखे हैं, जिसका dipole moment हमें दिया हुआ है 16 into 10 to minus 9 coulomb meter. एक पॉइंट है जो कि 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे है. ये हमारा पॉइंट हो गया जो कि 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे है. पॉइंट टू ले लेते हैं, ठीक है. मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस. ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. हमें बताना है पोटेंशियल क्या होगा. देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाता है एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल. ये हो जाता है के वी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू में 10 पावर 9. E की वैल्यू हो जाएगी दे रखी हमें 16 इंटू में 10 पावर माइनस 9, ठीक है, जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी हुई है. इंटू में कॉस ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, डायपोल एक्सिस के साथ. और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6, यानी कि 0.6 का स्क्वायर यानी कि 0.36, ठीक है. अब ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये बचेगा 9 इंटू में 16 इंटू में कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ 0.36, ठीक है. अब देखो पॉइंट एक काट के चला जाएगा ऊपर, ये दो जीरोज ऊपर चल जाएंगे, 100 ऊपर चल जाएगा. ये जाएगा फोर पे, फोर फोर जो 16, ये जाएगा टू पे, ये आ जाएगा आपके पास 200. यानी कि जो पोटेंशियल हो जाएगा दैट वुड बी 200 वोल्ट. हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.